मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा आज प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। मैं अमर सिंह राजपूत, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन। आज 10 जनवरी को हमारे संगठन की एक बहुप्रतीक्षित बैठक होने जा रही है। कोरोना काल के कारण जो एक शिथिलता थी वो शिथिलता दूर होगी, साथ ही शासन की शिथिलता जो हमारे लंबित मांगे हैं उनके लिए जो बरती जा रही है उसको तोड़ने का आज उद्देश्य है। हमारी प्रमुख मांग 20 साल के बाद हमारे लिए पहले से ही हम सहायक यंत्री का वेतनमान ले रहे हैं, तो शासन ने जैसे कि नीति में घोषणा की है, हम लोग चाहते हैं 20 साल की सेवा अवधि के बाद हम लोगों के लिए पदनाम भी दिया जाए और 28 साल की सेवा के बाद अनिवार्य रूप से पदोन्नति भी दी जाए। साथ ही हमारी दूसरी मांग मनरेगा जो हमारे साथी हैं जो अभी नियमित नहीं है उनके लिए नियमित किया जाए, क्योंकि बहुत से वर्क्स डिपार्टमेंट में पद रिक्त हैं, उनको वहाँ पर समायोजित किया जा सकता है। अगर शासन हमारी जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए हैं उन पर मांग नहीं मानती है तो स्वाभाविक रूप से आज हमारी कार्यकारिणी बैठी हुई है, आगे संघर्ष को किस रूप में ले जाना है इस पर निर्णय करेगी। तो ये प्रदेश स्तरीय बैठक है या जिले स्तरीय? ये प्रदेश स्तर की बैठक है, यहाँ पर हर जिले के प्रतिनिधि आए हुए हैं और यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे। चूँकि ये कोरोना अवधि चल रही है इसलिए उस मापदंड के अनुरूप हम लोगों ने एक संक्षिप्त में सांकेतिक बैठक रखी हुई है और 100 सदस्यों के नीचे ही हमने रखने का प्रयास किया है। सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे आज? हम लोग जो है तय कर रहे हैं कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। ज्ञापन का तो उनके पास ढेर लग चुका है, हमको उनकी संवेदनशीलता पर पूर्ण भरोसा है कि वो अपने इस नए कार्यकाल में हम लोगों की मांगें जरूर मानेंगे।